हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज। तो फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं इसका पूरा सिलेबस जो है कवर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम डिफरेंस जो है लीजिंग एंड हायर परचेज के अंदर समझेंगे। इसके जो नोट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के, डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई ब्लॉग, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, तो उससे आपका जो फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीट उसका रिविज़न हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीजिंग का मतलब क्या होता है। देखो, लीजिंग का मतलब होता है कि लीजिंग जो है डैट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेंटिंग दी एसेट, जिसके अंदर जो है एसेट जो होती है रेंट किए जाते हैं। लीजिंग जो है एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर फर्म जो है बिना किसी एसेट को खरीदे ऑनिंग उसको यूज़ कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। जो व्यक्ति किराए पे देता है, लीज पे देता है एसेट, उसको हम लेसर कहते हैं, और जो व्यक्ति उसको यूज़ करता है डैट इज़ नोन एज ए लेसी। और जो लीजिंग होता है ऑनर ऑफ द एसेट जो कि लेसर है, यूज़र ऑफ द एसेट जिसको लेसी कहते हैं, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेसर जो है लेसी को राइट देता है कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तुम इस एसेट को यूज़ कर सकते हो, पर तुम्हें उसके बदले में लीज रेंटल जो है देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो लीजिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है उसके द्वारा रेगुलेट होती है। लेसी जो है उसको मतलब रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है रेंट पे करता है। उसी तरह हम देखते हैं हायर परचेज का मतलब क्या होता है। देखो, हायर परचेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन है वेयर गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड ऑन द टर्म्स। देखो, हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि जो हायरर है वो उसको पोजीशन दे दिया जाता है, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप होती है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है उसके बाद उसको ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र की जाती है। देखो, हायर परचेज के अंदर जो होता है पोजेशन ऑफ द गुड जो होता है बायर को इमीजिएटली दे दिया जाता है। पेमेंट जो होती है इंस्टॉलमेंट में होती है। प्रॉपर्टी जो ऑनरशिप है वो वेंडर के सेलर के पास ही रहती है जब तक के जो बायर है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऑनरशिप जो है उसको ट्रांसफ़र होती है। और अगर जो बायर है वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करने के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है तो सेलर जो है उस एसेट को दोबारा से रीपोजेस कर सकता है। और जो वो बायर इंस्टॉलमेंट पे करता है उसको हम हायर चार्जेस मानते हैं टिल दी लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तो हर एक इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको हायर चार्जेस माना जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द लीजिंग। देखो, लीजिंग के अंदर पहला जो है कि जैसे ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखें डिफरेंस, तो लीजिंग के अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक लेसर होता है एक लेसी होती है। तो ऑनरशिप जो होती है वो लेसर के पास ही होती है, जो फिनांस कंपनी होती है जो लेसर होती है वो कभी भी लेसी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की जाती, उसको सिर्फ उस एसेट को यूज़ करने का अधिकार दिया जाता है। पर जब हम हायर परचेज के अंदर करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड इज़ ट्रांसफर्ड टू द हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ द लॉस्ट इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि उसको गुड्स का पोजीशन दे दिया जाता है, और जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है तो जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप है उस गुड्स के अंदर, वो बाहर को ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन अगर तो ये लीजिंग के केस के अंदर क्या होता है कि जो लेसर होता है जिसका वो एसेट होता है वो लेसी को किराए पे देता है, तो लेसर जो होता है इज द ऑनर, तो वही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। बट हायर परचेज के अंदर जो हायरर है, जो उसको हायर करता है, उसके पास डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को वो क्लेम कर सकता है। कैपिटलाइजेशन, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो एसेट है वो है लेसर की, तो वो लेसर के बुक्स के अंदर जो है उसको वो कैपिटलाइज कर सकता है। हायर परचेज के अंदर जो हायरर है वो उसको कैपिटलाइज कर सकता है। देखो, यहाँ पे जो लीज पेमेंट्स होती हैं, जो सारी जैसे लीज पेमेंट दी जो लेसी पे करता है
वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो की जाती हैं। इंटायर लीज पेमेंट जो होती हैं दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स कंप्यूटेशन इन द बुक्स ऑफ द लेसी। बट हायर परचेज के अंदर जो हायर इंटरेस्ट होता है वही टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है दिखाया जा सकता है और टैक्स के अंदर उसका जो है बेनिफिट लिया जा सकता है। देखो जो लीज़ होती है उसके अंदर डाउन पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि डाउन पेमेंट जो है की जाती है एसेट को एक्वायर करने के लिए। उसी तरह जो उसकी कबाड़ वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है, साल्वेज वैल्यू होती है, तो जो लेसी होता है वो एसेट का ऑनर नहीं होता, तो वो एसेट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो उसको इंजॉय नहीं कर सकता, लेसर ही करता है। बट हायर जो होता है क्योंकि उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है तो नाउ ही इज़ दी ऑनर, तो वो सैलवेज वैल्यू को इंजॉय करता है, स्क्रैप वैल्यू को। जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो जो भी उसकी कबाड़ वैल्यू है उसको बेच के वो उसको ले सकता है। फिर है मेथड ऑफ फिनांसिंग। देखो लीजिंग जो है डैट इज़ ए मेथड ऑफ फिनांसिंग बिजनेस एसेट, क्योंकि यहाँ पे जो लेसी है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस एसेट को परचेज कर सके या ओन कर सके, तो वो एसेट को जो है लीज पे लेता है। तो लीजिंग जो है डैट इज़ ए मेथड ऑफ फिनांसिंग बिजनेस एसेट। हायर परचेजिंग जो है बिजनेस एसेट को कंज्यूमर आर्टिकल दोनों को फिनांस करता है। और टैक्स बेनिफिट जो है, देखो जो लेसी लीज रेंटल पे करता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, लेकिन जो हायर परचेज है उसके अंदर जो हायर परचेज के अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसी को ही टैक्स डिडक्टेबल है, बाकी जो है अमाउंट वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, देखो जो लेसी है क्योंकि लीज जो होती है दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है, फाइनेंशियल लीज होती है। अगर ये फाइनेंशियल लीज है तो उसके अंदर जो लेसी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने एसेट की मेंटेनेंस करनी है, बट ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हायर परचेज के अंदर जो हायरर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसने एसेट जो है लेके आया है उसकी मेंटेनेंस करे। नेचर ऑफ द एसेट, जो एसेट लीज के अंदर लीजिंग कंपनी देती है वो लेसर का फिक्स एसेट होता है, बट जो हायर परचेज के अंदर होता है जो सेलर होता है उसको वो अपना जो है एसेट लेट अंडर हायर परचेज एज स्टॉक इन ट्रेड और एज रिसीवेबल दिखाता है। एसेट ऑन हायर परचेज जो है वो हायर की बैलेंस शीट के अंदर जो है दिखाया जाता है, लेकिन जो लेसी जो है लीज पे लेता है तो वो उसको लीज एसेट जो होते हैं वो फुटनोट की रूप में दिखाए जाते हैं। उसी तरह देखो यहाँ पे जो लीज होती है उसके अंदर लेसी ने कोई डिपॉजिट नहीं देना होता। जो हायर परचेज है उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज जो है डिपॉजिट के रूप में जो है देना पड़ता है वेंडर को। रेंट एंड परचेज, लीज के अंदर हम रेंट पे एसेट लेते हैं, हायर परचेज के अंदर हम गुड्स या एसेट को बाय करते हैं जिसकी ऑनरशिप जो होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हमारे नाम पे होती है। लीज फिनांसिंग जो होती है 100% होती है क्योंकि जो एसेट होता है वो प्योरली फिनांसिंग कंपनी का होता है और जो लेसी उसको किराए पे लेता है और उसके अंदर कोई डाउन पेमेंट नहीं होती, बट हायर परचेज के अंदर जो होता है डाउन पेमेंट होती है, जनरली ये 20 to 25% होती है।